मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड कार्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा विशेष पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई। इतने में ही किसी बात की अनबन को लेकर स्थानीय पंचायत सचिव को हरदी पंचायत के मुखिया द्वारा जमकर पीटा गया। वहीं पंचायत सचिव ने बताया कि लंबे समय से रंगदारी मांगी जा रही है और आज कार्यालय से निकालकर पीटा गया है, जिसके बाद स्थानीय मोतीपुर प्रखंड के सभी कर्मियों ने मुखिया की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कार्यालय परिसर में किसी तरह का कार्य न करने का निर्णय लिया। वहीं दूसरी ओर पूछे जाने पर एसडीओ पश्चिमी ब्रजेश कुमार ने बताया कि मोतीपुर प्रखंड कार्यालय में ही पंचायत सचिव को हरदी मुखिया के द्वारा पीटा गया है। पंचायत सचिव घायल हैं, उनका इलाज करवाया जा रहा है। साथ ही स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी को ये निर्देश दिया गया है कि सुसंगत धाराओं में उक्त मुखिया के खिलाफ केस दर्ज कराया जाए। मीटिंग कर रहे थे वीडियो साहब के साथ है। और इसी बीच में हरदी के मुखिया राकेश सिंह, मंटू सिंह, मोहम्मद शफीक और अजीत, ये सारे लोग लगभग 20 आदमी से आ करके और घींच के जान मारने की नीयत से ले जा रहे थे और मारपीट किए हैं, कागज़ फाड़ दिए हैं, पॉकेट से रुपया निकाल लिए हैं, गला से चैन छीन लिए हैं और जान मारने की नीयत से खींच के ले जा रहे थे, तो वीडियो साहब के द्वारा मुझे बीच बचाव किया गया। रंगदारी मांग रहे हैं ये लोग, रंगदारी मांग रहे हैं कि हमारे पंचायत होकर नहीं जाना है। पूर्व से भी जानलेवा हमला ही लोग किया था जो हम कथैया थाना में लिख के दिए थे, लेकिन कथैया थाना के द्वारा अभी तक कार्रवाई किया कि नहीं किया इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम पंचायत सचिव हैं सुरेश सिंह, सुरेश कुमार सिंह। पहले हरदी पंचायत में थे लेकिन मैं हरदी पंचायत से हट गया हूँ, तो अभी हमको उतंग करते हैं। सर, मोतीपुर प्रखंड कार्यालय में मारपीट का मामला सामने आया है, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी मोतीपुर से बात की गई है तो उनके द्वारा बताया गया कि हरदी पंचायत के वर्तमान मुखिया श्री मंटू सिंह उर्फ राकेश कुमार सिंह के द्वारा वहाँ के जो पदस्थापित जिस पंचायत सचिव हैं उनके द्वारा उनके कार्यालय में ही, ये मोतीपुर प्रखंड कार्यालय में ही उनके साथ मारपीट की गई है। और अभी जो अद्यतन सूचना प्राप्त हुई है कि उनका इंजरी रिपोर्ट भी आ गया है हॉस्पिटल से और उनको रेफर किया गया SKMCH। इस सब को देखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जो वर्तमान मुखिया जी हैं उनके विरुद्ध जो भी सुसंगत धाराएं हैं उसमें प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है और हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें जो नियमानुकूल जो चीज़ें हैं वो हो और जो दोषी व्यक्ति है उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई हो, क्योंकि एक पद पर आसीन व्यक्ति हैं और इस प्रकार की घटना शोभायमान नहीं है। मैं अन्य लोगों से भी निवेदन करूँगा कि इस प्रकार की घटनाएँ भविष्य में भी न की जाएँ ताकि हमारा प्रशासनिक व्यवस्था बढ़िया से चल सके और प्रखंड की इकाई अपनी अच्छी तरह से कार्य कर सके। वीडियो साहब के साथ भी जब वो छुड़ाने गए तो उनके साथ भी झड़प का मामला है, उनके साथ भी वीडियो साहब से बात हुई तो वीडियो साहब ने इस संदर्भ में कुछ स्पष्ट नहीं बताया। अगर ऐसी घटना होगी तो निश्चित रूप से हम लोग कहेंगे कि वीडियो साहब भी अपने स्तर पर इस पर एक प्राथमिकी दर्ज कराएं या कोई और भी जो पंचायती राज एक्ट की तरह के अधीन जो भी शास्तियाँ निर्धारित हैं उसके तहत कुछ कार्रवाई के लिए आगे वो जिला पदाधिकारी को संसूचित करें। कई लोग जो कर्मी हैं, ब्लॉक कर्मी हैं, वो सब स्ट्राइक पे चले गए हैं, वो सब नाराज हैं इस घटना। नहीं, इस घटना को लेकर के नाराज थे, लेकिन तुरंत आपके सामने ही बात हुई है वीडियो साहब से, तो सब चीज़ ठीक है, सब अच्छा है, सब लोग बैठ करके काम कर रहे हैं और वो जो प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।